जय श्री पोलकाजी महाराज। पेपर नंबर 1 से लेकर 29 तक पार्ट नंबर 8 तक पूरे कर चुके थे। अब पेपर नंबर 30 से स्टार्ट है। आप लोग थोड़े चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसे ही चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो अधीनस्थ चैनल बोर्ड द्वारा जो भी पेपर पूछे गए अभी तक वो सारे पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी हिसाब से सॉल्व करवाए जाएंगे। रुमा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह हस्तशिल्प के क्षेत्र में जानी जाती है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। ये तीनों कथन सत्य हैं। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली पड़ी। ये कथन असत्य है। बखना जी, संजा जी, जगन्नाथ जी, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? दादूपंथ। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। बूंदी की कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली, फाल्गुन पूर्णिमा, पर्युषण दिवस, भाद्रपद माह है, गणगौर चैत्र माह है। पुनः देखिए, बूंदी की कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली, फाल्गुन पूर्णिमा, पर्युषण दिवस, भाद्रपद माह है, गणगौर चैत्र माह है। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणों क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी बठियाणी प्रताप कंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनाया, क्योंकि पहले वाले मंदिर जमीन में धस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम क्या है? तीजा मांझी का मंदिर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागदमन सायणजी झूला, रणमल छंद श्रीधर व्यास, बासाभूषण महाराजा जसवंत सिंह। ये तीनों सुमेलित है। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, ये असुमेलित है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? गुप्त काल। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ के काले लाल मृदभांड मिले हैं, जिन्हें सामान्यतः सफेद रंग में ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। ये तीनों कथन सत्य हैं। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये कथन असत्य हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। गागरोन का युद्ध 1519, सारंगपुर का युद्ध 1437, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, साहेबा का युद्ध 1541-42।
पुनः देखिए, गागरौन का युद्ध 1519, सारंगपुर का युद्ध 1437, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, साहेबा का युद्ध 1541-42। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थित किया गया? अजमेर। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। बफंग, जहूर का मेवाती, नड़, कर्णावीर, अलगोजा, रामनाथ चौधरी, खड़ताल, सदीक खां। पुनः देखिए, बफंग, जहूर का, नड़, कर्णावीर, अलगोजा, रामनाथ चौधरी, खड़ताल, सदीक खां। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर। समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया? भरतपुर, 1849। निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? 2019। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? नागौर। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। लालगढ़, बीकानेर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, गागरौन, झालावाड़, नाकोड़ा, बाड़मेर। पुनः देखिए, लालगढ़, बीकानेर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, गागरौन, झालावाड़, नाकोड़ा, बाड़मेर। निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तर होगा बनास। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सही सुमेलित है? CWG भरतपुर, BWSW बाड़मेर, BSSW गंगानगर, AW डूंगरपुर। ए एवं डी सत्य हैं। थार मरुस्थल के भाग हैं गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, बनास का मैदान नहीं है। अतः आंसर होगा ए, बी एवं डी। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है? डूंगरपुर जिले में। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। उदयपुर, सीसाजस्ता, नागौर, सफेद सीमेंट, भीलवाड़ा, वस्त्र उद्योग, कोटा, रसायन। उदयपुर, सीसाजस्ता,
नागौर सफ़ेद सीमेंट, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग, कोटा रसायन। कौन सा सही सुमेलित है? खेरवाड़ा अबिस्टोस। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़ एवं बीकानेर। राजस्थान का कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर है, बाड़मेर नहीं है। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? झालावाड़, बारा एवं कोटा। राजस्थान का राज्य पुष्प है? रोहिड़ा। पेपर नंबर 31। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? गेहूं। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक प्रिंट। इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया था 20 अगस्त 2020 को। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पहले आएगा करौली, पूर्व से चलेंगे तो पहले कौन सा आएगा? करौली। फिर आएगा दो नंबर पे सवाई माधोपुर, तीन नंबर पे आएगा अजमेर और चार नंबर पे कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। डेगाना बिलाड़ा पाली तथा जालोर भाग है लूनी बेसिन के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंथा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? खेजड़ी। निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? प्रतापगढ़। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंग नहर, गंगानगर एवं बीकानेर। व्यास राजस्थान, पंजाब, हरियाणा।
माही बजाज सागर, राजस्थान एवं गुजरात, ये तीनों सम्मिलित है। सिद्धमुख परियोजना राजस्थान, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ये असम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोहा अयस्क, नात्रा की पाल, तांबा, खेतरी सिंगाना, जस्ता एवं सीसा, जावर, जबकि टंगस्टन डेगाना होगा ना कि जामड़कोटड़ा, यह असम्मिलित है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? भेड़, बागड़ी और मारवाड़ी, बकरी, जमुनापुरी और जारवाली, ऊंट, गोमट और बीकानेरी, गाय, हरियाणी और मुर्रा, यह सम्मिलित है और ऊपर वाले तीनों सम्मिलित है। राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था? 200। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? वृक्षारोपण, फसलों की हेराफेरी, एनिकेट का निर्माण, ये तीनों है। अत्यधिक जलापूर्ति नहीं है। निम्न से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? मरुक्षेत्र है, अरावली है, मेवात है, सामाजिक वानिकी योजना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पत्थर के खिलौने, गलियाकोट, ये सही है, बाकी ऊपर वाले तीनों कथन असत्य है। कोम्बिक डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीय संघर्ष परियोजना को किस वर्ष लागू किया गया था? 1999। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन जिले समूह से संबंधित है? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर एवं धौलपुर। गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1544। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी ने राजस्थान के किस शासक को हजमत वाला शासक कहा? राव मालदेव। बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महासतिया। अठारह का विद्रोह है राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़िया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा उस्मान हारूनी। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रिएशन। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसने अब्दुल फजल ने बख्तरबंद कहा? रणथंभौर।
सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। गुण भाषा हेम कवि, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीरबान, सूरज प्रकाश अभय सिंह। गुण भाषा हेम कवि, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीरबान, सूरज प्रकाश अभय सिंह। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। श्री लाल जोशी किस कला से संबंधित है? फड़। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? 1989। रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है? नरवर्मा गुहिल। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? मूलचंद एवं उदयराम। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे कहा जाता है? टोडरमल। हमी हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। मत्स्य संघ में कौन राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली थे, झालावाड़ नहीं है। दादू पंत का प्रमुख केंद्र है? नारायणा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। देवनारायण जी मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, रामदेव जी मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, बाबारी दूज। वीरपता जी मेला भाद्रपद शुक्ल नौमी, वीर तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दसवीं, देवनारायण जी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, रामदेव जी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, वीरपता जी भाद्रपद शुक्ल नौमी, वीर तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दसवीं। ब्रह्मा सिद्धांत के लेखक ब्रह्मा गुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया? सिरोही। निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? कुएं। मेजाबान निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या होता है? 1999, 2000। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था? 933। पेपर नंबर 32। बरदरा कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर।
सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ग्रेनाइट, अजीतगढ़ सीकर। चूना पत्थर, सोनू जैसलमेर। गिया पत्थर, देपुरा उदयपुर। रॉक फास्फेट, माटोन उदयपुर। ग्रेनाइट, अजीतगढ़ सीकर। चूना पत्थर, सोनू जैसलमेर। गिया पत्थर, देपुरा उदयपुर। रॉक फास्फेट, माटोन उदयपुर। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित की गई। कवई बारा। राजस्थान के किन जिलों में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? अजमेर एवं धौलपुर। स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। उदयपुर। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? लागू करने को मना करना। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? टोडरमल। पेपर नंबर 33। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? कोटा। भीलवाड़ा जिले के आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? सीसा जस्ता। चोकला मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार है? भेड़। ताल छापर कृष्णमग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चूरू। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? बूंदी। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले हैं? कोटा एवं बारा। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल सागर। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? सिंचाई। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान में किस वर्ष किया गया? 1974-75।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। मनरेगा कार्यक्रम को क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत। निम्न में से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है? सांगानेर। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नामक शब्द किसने दिया? जॉर्ज थॉमस। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजय राज। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल को मान जाते हैं। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांग के मध्य 1528 ईस्वी में लड़ा गया। ये कथन असत्य है। ख्यात के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत से ख्याति शब्द से हुआ है। ख्यात ग्रंथ के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अनेक ख्यातों राजेश रक्षण में लिखी गई थी। खातों का भाट लोग संभालते हैं। ये कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1927, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1927, नरेंद्र मंडल 1921। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। मत्स्य संघ। पहला चरण, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़। दूसरा चरण, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ व उदयपुर, संयुक्त राजस्थान। ये तीनों चीज सत्य हैं। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ व्रत राजस्थान, ये असुमेलित है। कथन ए, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कथन बी, 1938 में कांग्रेस के राज्यों में चल रहे स्वतंत्र आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। ये दोनों कथन सत्य हैं और कथन बी एक ही ठीक व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? कच्ची घोड़ी, गिंदड़, चंग है, बम नहीं है, क्योंकि ये अलवर और भरतपुर से संबंधित है। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ स्थित किया गया? कोटा में। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रादवक किस जिले में अवस्थित है? कल हमने प्रश्न पढ़ा था, सीसा जस्ता प्रादवक कहाँ है? चंदेरिया में। आज पूछ रहा है कि जिला कौन सा है?
तो सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? खेतरी क्षेत्र से। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? अजमेर में। बरसिंह सर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? बीकानेर। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। पेपर नंबर 34। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? बालाथल। प्राचीन जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बरसिंह। युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पो ली ये ता लो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? बीनमाल। राजस्थान के किस जिले में डडिगर शैल कला पुरास्थल अवस्थित है? अलवर। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कर्नल टोड। शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? देशराज। जगत सिंह कावे के रचयिता कौन है? रघुनाथ। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लगान एवं अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। मोतीलाल तेजावत। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? 1907 ईस्वी में स्वामी गोपालदास। भारत संघ में अधि मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह। गुरु गोविंद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में दूनी एवं निशान की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ। ये एक कथन असत्य है। रुकनुद्दीन साहिबुद्दीन रशीद कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली। त्रिकुट कृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर।
कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारी सभा की स्थापना की? 1883। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बूजी। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। मेवाड़ भाषा में योग सूत्र भगवद गीता एवं सांखिरिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह। मौर्ययुगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट। निम्बाग संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद। धौलीधूप गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास जी। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। दलपत विजय कुमार रासो। नरपति नाले विसलदेव रासो। जोधराज हमीर रासो। नलसिंह विजयपाल रासो। दलपत विजय कुमार रासो। नरपति नाले विसलदेव रासो। जोधराज हमीर रासो। नलसिंह विजयपाल रासो। आहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुर्जर प्रतिहार कालीन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ शिखर है? तारागढ़ 873। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? फोर्थ बी एवं फाइव। तो फाइव में तो कौन सा आएगा? कोटा बूंदी बारा झालावाड़। और फोर्थ बी में डूंगरपुर बांसवाड़ा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच निम्न में से किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ? प्रतापगढ़। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते समय आप निम्न में से किस भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? पहले आएगा हाड़ौती पठार, क्योंकि कोटा बूंदी बारा झालावाड़। फिर आएगा बनास बेसिन, और फिर क्या आएगा? मध्य अरावली, क्योंकि बीकानेर तक जाने तो क्या जाएगा? मध्य अरावली। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिलों समूह में
सबसे कम महिला साक्षरता अंकित की गई? जालौर, सिरोही एवं जैसलमेर। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवनिया मृदा कहाँ पाई जाती है? रेवनिया मृदा है वो गंगानगर में, और जिप्सी फेरस बीकानेर में। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई 2010। बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनौर की पहाड़ी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। रोक फास्फेट डाफन कोटड़ा एवं फतेहगढ़, टंगस्टन डेगाना, मैग्नीज लीलवाड़ी, डोलोमाइट दरियावाद एवं खमेरा। रोक फास्फेट डाफड़ कोटड़ा एवं फतेहगढ़, टंगस्टन डेगाना, मैग्नीज लीलवाड़ी, डोलोमाइट दरियावाद एवं खमेरा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। उमेश सागर भीलवाड़ा, नक्की झील सिरोही, पिछोला उदयपुर, तालाब साई धौलपुर। उमेश सागर भीलवाड़ा, नक्की सिरोही, पिछोला उदयपुर, तालाब साई धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, रिलायंस मेवाड़ एडवर्ड मिल ब्यावर है, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है भोपाल सागर में। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ब्यावर वस्त्र, भरतपुर सरसों तेल, गंगानगर चीनी, केशवान गुजर कागज। ब्यावर वस्त्र, भरतपुर सरसों तेल, गंगानगर चीनी, केशवान गुजर कागज। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? रंगराजन लकवाड़ा तेंदुलकर है, और आर स्वामीनाथन समिति नहीं है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना कहाँ अवस्थित की गई? फतेहगढ़। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की रूपनगढ़ अजमेर में। नौतरा की पोल और बोरिजा बानोला क्षेत्र की खाने हैं लोहा एस की। बायतु कासल कपूरी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तेल एवं गैस। राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मदानकुदान झुंझुनू। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। वुल्फेमाइट नागौर, बेरेलियम उदयपुर, मैग्नीज बांसवाड़ा, बेंटोनाइट बाड़मेर,
जबकि वोलेस्टोनाइट सिरोई। वापिस देखिए, वुल्फेमाइट नागौर, बेरेलियम उदयपुर, मैग्नीज बांसवाड़ा, बेंटोनाइट बाड़मेर। आप लोगों को यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। जल्द ही अधीनस्थ चयन बोर्ड के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं और आरपीएससी ने जो 2023 में जितने ही पेपर कराए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, वो सारे पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएंगे।